डिटेक्शन आया है पेपर में, द जर्नी ऑफ द रिवर मिरर्स द, अगर एरर यहाँ तक है तो आंसर ये होगा, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ देयर, फिर कॉमा, अब यहाँ तक गलती है तो बी, इन द एंड मर्ज विद द यूनिवर्सल लाइफ। तो ज़रा ध्यान से देखो, मेरा तरीका होता है मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ भाई इजाज़त लेके आ रहे हो या नहीं। बात हो रही है दिस जर्नी ऑफ द रिवर मिरर, तो हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, दिस जर्नी ऑफ द रिवर, आगे इसके बाद मिरर्स है। बिल्कुल जी सही है, सब्जेक्ट जब सिंगुलर है बात हो रही है दिस जर्नी की, एक जर्नी की बात हो रही है, तो मिरर्स एस लगना चाहिए वर्ब के साथ। डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, जी जब बात डिफरेंट है तो एक स्टेज तो नहीं हो सकती, डिफरेंट स्टेजेस। अब आगे ऑफ के बाद कोई ना कोई आपको दोबारा नाउन चाहिए ह्यूमन लाइफ, डेथ इन द एंड मर्ज विद द यूनिवर्सल लाइफ। अब देखो जो बुनियादी हमारी बात हो रही थी, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, तो जब ह्यूमन लाइफ स्टेजेस ऑफ ह्यूमन लाइफ हो गई हमारी, और ये सब क्या है, दिस जर्नी, ये जर्नी बता रही है, तो यार ये मर्ज कैसे, यहाँ पे क्या होना चाहिए, मर्जेस, यानी कि गलती है तो यहाँ पर है ऑप्शन सी में, आंसर सी हो जाएगा, मर्ज की जगह क्या लगा दीजिए, मर्जेस लगा। सनशाइन ओवर द नाइल सीम टू सजेस्ट अ प्लेसिड स्माइल, द ब्राइट सनशाइन, एक जो ब्राइट सनशाइन है ओवर द नाइल सीम टू सजेस्ट अ प्लेसिड स्माइल। अब देखो बात किसकी हो रही है, ब्राइट सनशाइन की, तो हमारा नाउन यानी सब्जेक्ट तो यही हो गया, पहला वाला नाउन ही सब्जेक्ट, ओवर द नाइल सीम। अब यार ये सीम क्यों आ रहा है, जब सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यहाँ पे एस होना चाहिए, ये एरर आ गया भाई। सवाल आया है पेपर में, इसमें तकरीबन सब बच्चों ने गलत ऑप्शन लिख दिया, स्पिरिचुअलिटी यानी रूहानियत, सिंगुलर नाउन हैज, बिल्कुल जी हैज आना चाहिए, नथिंग भी सही है। मैं एक एक वर्ड से पूछता हूँ इजाज़त लेके आ रहे हो नहीं, ये तक तो कोई एरर नहीं है, अ टेल टू डू विथ, यहाँ भी सही है, कुछ लोगों को ये गलत लग रहा था, सही है, यहाँ तक बी हो गया। सी में लिथार्ची और कैलसनेस, लिथार्ची के मीनिंग होते हैं सुस्ती काहली, कैलसनेस कहते हैं बेहसी को, तो भाई इसमें कोई एरर नहीं है, और ऑप्शन डी था नो एरर, तो इसका करेक्ट आंसर है नो एरर। और देखो नो एरर को पहचानना ज़रा मुश्किल होता है, इसका तरीका है कि भाई जो जो रूल्स मैं बताता हूँ सारे दिमाग में बस आके एक बार चेक करते रहो, स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग आर टेल टू डू विथ लिथार्ची और कैलस। देखिए बड़ा अच्छा है, दिस इज एन एक्सिस इन्वेंटेड बाय द माइंड, ये एक एक्सिस है जो इन्वेंट की है माइंड ने टू प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, यानी कोई नेगेटिव थॉट आ रही है, एक्सिस आर इन्वेंटेड बाय द माइंड टू प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। देखो दिस इज़ एन एक्सेस तक तो बिल्कुल सही है, इन्वेंटेड बाय द माइंड टू प्रिवेंट यू, यानी देखो एक बड़ी अच्छी ट्रिक याद रखो, क्योंकि असल चीज़ से जो मैं रूल सिखा रहा हूँ उसी कि प्रिवेंट यू ऑफ मूविंग इन द राइट डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन में रोकने की कोशिश कर रहे हैं, यानी दूर रख रहे हैं, डिस्टेंस पैदा कर रहे हैं, जब भी डिस्टेंस की बात आ रही होगी तो प्रिवेंट के साथ ऑफ नहीं बल्कि फ्रॉम आएगा प्रीपोजिशन, प्रेवेंट के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, तो यहाँ पर आएगा प्रेवेंट यू फ्रॉम, ऑफ की जगह फ्रॉम। बट अच्छा है, अ लेजी फेलो हु डे ड्रीम्स एंड डू नथिंग यूजफुल शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ सेंट, एक ऐसा बंदा लेजी है, ओहो टुन, अ लेजी फेलो, आगे हु आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए, डे ड्रीम्स, बिल्कुल जी एस सी आएगा, डे ड्रीम्स होगा, क्योंकि एक बड़े सुस्त फेलो की बात हो रही है। एंड डू नथिंग यूजफुल, मेरे भाई सिंगुलर पर्सन है लेजी फेलो हु डे ड्रीम्स एंड, तो ये डू कैसे आ गया, डू की जगह क्या होना चाहिए था, डज होना चाहिए था, यानी एरर यहाँ सी ऑप्शन में था।
ओके जी, आगे अब सही हो जाएगा। दस नथिंग यूजफुल शुड नॉट बी मिस्टेकन फॉर अ सेंट। में मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स आए हैं बार बार हर पेपर में, कॉन्फिस्केट एक वर्ब है, इम्पाउड भी साइनोनिम है, सीज्ड है, वाइंड अप यानी चीज़ का ख़त्म करना या खात्मा, पॉइज्ड एक एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग बैलेंस करना, कॉल्म करना, कूल करना। ड्रॉसी कहते हैं लेजी, स्लीपी, लेथार्जिक एडजेक्टिव है। बिलिंग का विंग और ये विलिकर भी बहुत बार पूछ चुके हैं, विलिकर ठीक है साइनोनिम। और फॉकी एक एडजेक्टिव है, इसके भी देखें सारे बहुत हैं, मिस्ट, ब्लर्ड, वेज, नॉट क्लियर, ऑब्स्क्योर्ड। आपको हो सकता है वो वर्ड फॉकी दे दें और साइनोनिम मिस्ट हो, या वर्ड मिस हो साइनोनिम फॉकी हो, दें फ्लिकर दे करके विंग पूछ लें, तो हर तरह याद होना चाहिए। इसी तरह मेटिकुलसली डिटेल, आमिर खान की तरह मिस्टर परफेक्शनिस्ट। कॉन्शियसटियस यानी एडजेक्टिव। पॉपर पापड़ बेचने वाले से याद रखें पोअर बॉय को कहते हैं पर्सन को। नॉनसेंसिकल सिली फ्री फोलस, जो चाह रहे हर चीज़ मुझे फ्री मिल जाए वो क्या होगा, फ्री फोलस एडजेक्टिव। फिर स्कॉर्च के मीनिंग क्या होते हैं, बर्न यानी जलना। ट्रेन को लेकर एडजेक्टिव है जिसके मीनिंग पीस, कॉल्म, मोलीफाई। देखो ट्रेन में कुली क्या करता है, सबको ठंडा करता है, और मूलीफाई को याद रख सकते हैं भाई मूली खाओ ठंडे हो जाओ। कॉर्डियल एक एडजेक्टिव है जिसकी मीनिंग फ्रेंडली है। सम्शियस ओपुलेंट को कहते हैं, तो संपत्ति हिंदी में दौलत को कहते हैं, याद रख सकते हैं इसे। बेरेफ्ट, स्टिंगी, मीगर, कंजूस या कमी, ये भी एडजेक्टिव है। रेंच, रेस्ट, नाउन यानी पानी को। तो बच्चों एक ही कॉन्सेप्ट जो मैं समझा रहा हूँ बहुत काम का है, जैसे कि इक्विपमेंट, कैटल, फर्नीचर, किलर की, पेसेंट्री, दे आर ऑलवेज प्लूरल। ज़रूरी नहीं कि हर प्लूरल के साथ एस लगे, और अगर कहीं इनके साथ एस देखो तो फौरन पहचान लो कि सेंटेंस में मिस्टेक है, उस एस को हमें हटाना पड़ेगा, सेंटेंस को करेक्ट। अब एक बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो लाजमी आता है, लेकिन ये हमेशा फॉलो किस से होंगे, सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच से। इनके बाद जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो सेम होगा, क्या होगा, सेम होगा। तो सेंटेंस में बात हो रही थी बिजनेस मैन हैव नॉट ओनली हेल्प, यहाँ पहले जनाब वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, द पुअर विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू इक्विपमेंट। अब देखो ये बट ऑल्सो के बाद जो विद है ये तो 100% आना ही, क्योंकि आगे न्यू इक्विपमेंट्स हैं, और न्यू इक्विपमेंट क्या है, एक नाउन है। नाउन से पहले प्रीपोजिशन इट्स ऑल ओके, नाउन से पहले क्या क्या फॉर्मेशन होती है सारी समझाऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ तक अगर हम देखते हैं बट ऑल्सो विद न्यू इक्विपमेंट। सही है, तो गलती कहाँ है, ये नॉट ओनली गलत है। हम क्या करेंगे, नॉट ओनली को उठा करके कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे, यानी यहाँ आएगा ये नॉट ओनली, ठीक है जी, नॉट ओनली, और यहाँ से ये मिट जाएगा। यानी कि अब करेक्ट सेंटेंस क्या हो गया, द बिजनेस मैन हैव हेल्प द पुअर नॉट ओनली विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू इक्विपमेंट एंड द रिक्वायर्ड न्यू मिट। बड़ा अच्छा है, द बिजनेस मैन हैव नॉट ओनली हेल्प द पुअर विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू इक्विपमेंट्स एंड द रिक्वायर्ड न्यू मटेरियल। तो अब हमें देखना है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इंग्लिश की होती है कि जी एरर डिटेक्ट करना, और बहुत ही टेक्निकल होते हैं सवाल, हाँ जो ट्रिक्स हैं हमारी उनसे बिल्कुल हलवा हो जाएंगे। तो मैं कहता हूँ इजाज़त में वर्ड को पढ़ो, द बिजनेस मैन, चले हैव सही लगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नॉट ओनली हेल्प द पुअर विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू इक्विपमेंट्स। पहले तो एक देखो ये जो वर्ड आ रहा है इक्विपमेंट्स, कुछ होते हैं हमारे प्लूरल नाउन जो ऑलरेडी प्लूरल होते हैं उनमें कभी एस नहीं लगता, जैसा कि इक्विपमेंट हो गया, कैटल हो गया, फर्नीचर हो गया, क्लर्की हो गया, पेसेंट्री हो गया, दे आर ऑलरेडी पुअर, एस इनमें नहीं आता और ये प्लूरल होते हैं। ये कंप्लीट लिस्ट, इक्विपमेंट, कैटल, फर्नीचर, क्लर्की, पेसेंट्री, तो भाई यहाँ एस कहाँ से आ गया, ठीक है एस नहीं आता, इक्विपमेंट ही होता है बट इक्विपमेंट्स नहीं होते। और देखें जनाब इस्तेमाल हो रहा है नॉट ओनली बट ऑल्सो,
अगर सेंटेंस में नॉट ओनली होगा तो बट ऑल्सो लाजमी होगा, बट ऑल्सो होगा तो नॉट ओनली, दोनों साथ आते हैं। लेकिन एक और बात होती है कि इन दोनों के बाद हमेशा आता है सिमिलर पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच यानी अगर प्रपोजिशन आ रहा है तो प्रपोजिशन ही आ रहा होगा, नाउन आ रहा है तो नाउन ही आ रहा होगा। तो देखो द बिजनेस मैन हैव नॉट ओनली हेल्प द पोअर, ठीक है, नॉट ओनली के बाद हेल्प जो कि एक वर्ब है नहीं चाहिए, द पोअर विथ मनी बट ऑल्सो विथ, अब यहाँ देखो बट ऑल्सो के बाद विथ और आगे दिया है न्यू इक्विपमेंट, तो मेरे भाई न्यू इक्विपमेंट एक नाउन है, रोलर नाउन है, नाउन से पहले तो प्रपोजिशन लाजमी चाहिए, इट्स ओके ठीक है। यहाँ विद मनी भाई बिल्कुल नाउन से पहले प्रपोजिशन, तो असल में मसला क्या है, नॉट ओनली की जगह चेंज करेंगे, नॉट ओनली को हम यहाँ से उठाएंगे और विद से पहले लगा देंगे। देखो सेंटेंस क्या हो जाएगा, द बिजनेस मैन हेल्प्ड द पुअर और द पुअर के बाद क्या आ जाएगा, ये आपका पूरा नॉट ओनली उठ करके यहाँ आ जाएगा, नॉट ओनली विद मनी बट ऑल्सो विद न्यू, आगे फिर बिल्कुल सही है। एंड द एग्जाम में बहुत अहम पोर्शन होता है सेंटेंस करेक्शन, ओइंग टू द हैंडल द हीट प्रोटेस्टिंग, टू हैंडल द हीट प्रोटेस्टिंग फार्मर्स एट पाकिस्तान बॉर्डर्स आर सेटिंग अप ट्रॉली कॉलोनीज एंड सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स दैट हैव फिटेड बाय डेजर्ट कूलर्स। तो कहाँ एरर है, तो बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं, ओइंग टू द हैंडल द हीट प्रोटेस्टिंग फार्मर एट पाकिस्तान्स बॉर्डर्स आर सेटिंग अप ट्रॉली कॉलोनीज एंड सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर्स दैट हैव फिटेड बाय डेजर्ट कूलर्स। अब देखो परमानेंट स्ट्रक्चर दैट हैव फिटेड किसी से हो रहे हैं, तो इसका मतलब है बात यहाँ पे एक्टिव वॉइस की नहीं पैसे वॉइस की हो रही है, और जब पैसे वॉइस की हो रही है तो हैफ अकेला नहीं आता, इसके साथ बीन आता है। अब देखो कह रहे हैं फिटेड बाय डेजर्ट कूलर्स, अब एक फ़र्क होता है बाय और विद का, एक बात हमेशा याद रखो कि बाय का इस्तेमाल होता है किसी पर्सन के साथ, बाय सर अमीन या बाय सर अमीन स्टूडेंट्स, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बात हो रही है वो किस चीज़ की हो रही है, डेजर्ट कूलर जो कि इंस्ट्रूमेंट है विद पेन विद पेन तो हमेशा इस्तेमाल करते हैं विद, यहाँ बाई की जगह हो जाएगा। देखिए बड़ा अच्छा है, पुलिस आर गोइंग डेथ द थीव्स, अच्छा इसमें बताता हूँ ये इस तरह से था, ये पार्ट ए ये बी यहाँ सी यहाँ डी, यानी कि इसमें कहीं एक मिस्टेक होगी ए में या बी में या सी में या डी में, एरर डायरेक्शन हम उसको टिक कर देंगे, जी आंसर ए या बी है, पुलिस आर गोइंग डेथ द थीव्स नॉट ओनली रॉब्ड द ट्रेवलर्स बट ऑल्सो वाउंटेड देम सीरियसली, पहले तो वही कॉन्सेप्ट चेक करते हैं क्या सेम पार्ट ऑफ स्पीच है, जी नॉट ओनली के बाद रॉब वर्ब की सेकेंड फॉर्म और बट ऑल्सो के बाद वर्ब की सेकेंड फॉर्म वाउंटेड, तो ये गलती तो नहीं। अब जो एक हमारा मेथड होता है इजाज़त मेथड, एक एक वर्ड से पूछो, पुलिस आर गोइंग डेथ, आर गोइंग कर रही है, एक मिनट, पुलिस तो एक नाउन है और वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, क्या पुलिस एक नाउन के बाद वर्ब के साथ आईएनजी लग सकता है, जनाब हेल्पिंग वर्ब चाहिए, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा, पुलिस भी हमारा प्लूरल नाउन होता है जिस तरह ये सारे इक्विपमेंट वगैरह, ऐसा नहीं होता पुलिसेस सुना है पुलिस, तो अब आर या वर, अब ये हमें पता चल जाएगा बाकी ग्रामर चेक करके, द थीव्स नॉट ओनली रॉब्ड द ट्रेवलर बट ऑल्सो फाउंडेड देम, आर क्यों आएगा यार सब पास्ट टेंस में, तो प्लूरल नाउन के लिए अगर पास्ट टेंस हो तो आर की जगह क्या यूज होता है वर, तो आपको सेंटेंस करेक्ट नहीं करना है, एक सेंटेंस करेक्शन अलग थी जैसे कि पहले हमने किया सेंटेंस ब्रेक में, और एरर डिटेक्शन में आंसर बस हम क्या टिक कर देंगे ए, हाँ चूँकि अभी एग्जाम नहीं हो रहा, कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ मैं आपको साथ साथ, ये भी देखो कि गलती कहाँ थी, यहाँ पुलिस और आर गोइंग के दरमियान में क्या आना चाहिए वार आना चाहिए, और एरर क्या हो गया ए, आंसर हमारा हो गया ऑप्शन ए।
लिमिट के मेरे दोनों शॉर्टकट फार्मूले हमेशा रखो, लिमिट एक्स टेंड टू जीरो एक्स की पावर एक्स इक्वल टू वन और लिमिट एक्स टेंड टू जीरो ए की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ये बराबर होता है एल एन ए के। दोनों ये हैजर्डस पेपर में सैकड़ों बार इस का पेपर में एक एक सॉल्व करा रहा हूँ, ऑलरेडी अच्छे खासे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ इस पर और इंशाल्लाह ताला फिर एक कम्बाइंड वीडियोज़ भी हम बना देंगे। 5x² + 9² = 45 है तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज ऑफ एलिप्स पूछिए। पहले तो खैर एलिप्स है तो 45 से डिवाइड कर दो, x² / 9 + y² / 5 = 1 मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस है। अब क्या करेंगे, a² 9 हो गया, b² 5 हो गया, a² - b² एलिप्स का केस है, c² 4 यानी c + -2। अब इक्वेशन ऑफ डायरेक्टरीज जो होती है जब मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस होता है कैसे पता चला, x² के नीचे 9 है क्योंकि 5 से बड़ा है, तो या तो होती है a/e या a² / c। तो a² तो ऑलरेडी 9 है, c अभी हमने 2 निकाला है तो ये आ जाएगी +-9/2। ठीक है, लेकिन इन्होंने इस फॉर्मेट में दिया आंसर, ये 2 डिवाइड था उधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, तो कर दो यार इसमें क्या हर्ज है। फिर देखो यहाँ है cos x, tan x, sin x, जो के क्या हो जाएगा यार, अपॉन का टेन एक्स है ऊपर आगे कॉड एक्स हो जाएगा, कॉस अपॉन साइन भी कॉड होता है, कॉड इंटू कॉड, कॉड स्क्वायर एक्स, इससे आसान क्या था यार। और ये मैंने शॉर्ट ट्रिक फार्मूला बताए थे जो आपको, लिमिट एक्स टेंड्स टू ज़ीरो एक्स की पावर एक्स 1 के बराबर होता है। फिर एक और बड़ा अच्छा सवाल है, पैराबोला पे आया था, y² = -12x, फोकस पूछ रहे हैं। अब देखो ये फॉर्म हो गई y² = 4ax, तो 4a = -12 के a-3 के, तो मेजर एक्सेस अलॉन्ग एक्स एक्सेस है तो फोकस होता है a, 0, a की वैल्यू -3 आ गई तो -3, 0 इज योर आंसर। तो देखिए बड़ा अच्छा सवाल है आपका, 7x² - 4x² = 28 और कह रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन द फोकाई निकालें। तो देखो इसकी नई ट्रिक बनाइए, ये हो गया a² b² c² क्या होता है, a² + b² यानी 7 + 4 = 11 और डिस्टेंस बिटवीन फोकाई के लिए जो नई ट्रिक बनाई है मैंने बच्चों बहुत आसान है इस फॉर्मेट के लिए, 2b² c / c² तो b हमारा b² कितना है 4 है, 4 × 2 = 8 ऊपर 8 आ जाएगा, c² 11 है और c उसका रूट यानी √11, 8√11/11। इसी तरह y² - 12x है फोकाई, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ भाई, बार बार रिपीट हो रहा है सवाल, -4, 0 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स सच देत a² अपने आइडेंटिटी के बराबर हो, तो मैट्रिक्स कहलाता है इन्वोलेंट्री मैट्रिक्स, इन्वोलेंट्री। ये भी बड़ा आसान है, e^x + x का डेरिवेटिव चाहिए, e^x का x ही होगा +x² / 2 + c, ये रिजल्ट आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए पॉइंट देखो, एक तो 3, 1 है, एक -2, 5 है, एक -4, -5 है, बाकी 1, 1 दिया हुआ है, तो इसका रिजल्ट क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर लें 29 आ जाएगा। इसी तरह देखिए 2 coins are tossed together प्रॉबिलिटी ऑफ गेटिंग @most 2 heads, तो @most 2 heads हो तो आंसर इसका 1 होता है। इसकी पूरी मैजिकल ट्रिक्स की सीरीज बताई थी। और ये भी सवाल बड़ा अच्छा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि 10x 3 के बराबर है तो sin² / cos² है, ये करेक्शन कर लीजिएगा, तो sin² / cos² क्या हो जाएगा 10x, जब 10x 3x है तो 10x क्या होगा 3 का² 9, 9³x की इंटीग्रेशन, ये मैजिकल ट्रिक बहुत सिखाई थी हायर पावर की, तो उसके तहत ये -cos x + cos³x / 3 + c होगा। और ये भी मैंने आपको जो लिमिट के मैजिकल फार्मूले बताए थे उनमें से देखो ये भी शामिल था, जितने मैजिकल फार्मूले लिमिट के मैंने आपको कराए सारे उसी में सारे हैं, x^(n - a^(n) / x - a) = (n, a^(n-1) फिर थर्ड टर्म इन g^(9/4), सिक्स टर्म 243/32, फर्स्ट टर्म ऑन कॉमन रेशो, देखो थर्ड टर्म है 9/4 यानी 3/2 का² 6 × 2/43/32 = 3/2 / 5, ठीक है, तो इसका मतलब है a (1), r(3/2), ठीक है। अब देखो कोई भी चीज़ बाहर से नहीं आई है जो कराया था आपको, इसने ये डी मॉर्गन लॉ भी बताया था, a (b) क्या होता है a′(b), ठीक है। और 0 वेक्टोरियल और 1 वेक्टोरियल, देखो 0 वेक्टोरियल भी 1 होता है,
वन वेक्टोरियल भी वन होता है। इफ़ अ सर्कल पासिस ऑल थ्री वर्टिसेस ऑफ ट्राइंगल देन इट इज़ कॉल्ड सरकम सर्कल। ये भी जो हमने थ्योरी की थी। फिर 16x = 4, ये 16 की पावर x है। हाँ, इसका मतलब है 4² की पावर x = 4। 4 की पावर कुछ नहीं होगी तो 1 होगी। इसका मतलब है 2x = 1 के, x = 1/2 के। अब यहाँ देखो, पुट कर देंगे हम x की वैल्यू 1/2 + 5। 625 का मतलब है 5 की r 4। बेसिस सेम है, पावर फिर सेम हो जाएगी। 1/2 + y = 4। ये 1/2 उधर ले जाओ, सॉरी यहाँ 4 आएगा ना, तो ये आएगा 7/2 या 3.5, या चाहो तो लिख दो 3 होल 1/2। ये ऑप्शन में देख लेना किस तरह दिया हुआ है। ठीक है भाई, इसकी तैयारी करनी हो, मेरी लिखी है बुक है एप्टीट्यूड टेस्ट बुक फॉर इंजीनियर बाय मोहम्मद अमीन शरीफ, कर लो तो हर टेस्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह जीके की ये बुक कर लो भाई, मेरी लिखी हुई तो भी हो जाएगा। अब यहाँ दिया है √y = e^x + 2 dy/dx चाहिए। तो देखो यार, पावर वाई की बार क्या है, 1/2 नीचे गिर जाएगी, और पावर 1/2 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -1/2 dy/dx आ जाएगा। e^x का डेरिवेटिव तो ये रहेगा 2, कॉन्स्टेंट उड़ जाएगा। अब ये 2 इधर डिवाइड है, उधर जाके मल्टीप्लाई e^x से। अच्छा, वाई की आर माइनस हाफ का मतलब क्या है, वाई की पावर 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, रूट, उधर जाके मल्टीप्लाई। ये हमारे पास फाइनल dy/dx आ गया मेरे भाई। अब ये भी अच्छा सवाल दिया है, e² का क्यूब + b² c³। तो 2 3 का कितना होता है, 6। यहाँ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पावर ऐड होंगी, 2 + 3 कितनी हो जाएगी, 5। यानी a^6 + b^5। ये सिंपल अलजेब्रा का सवाल था मेरे भाई। ठीक है, ये भी हो गया। अच्छा सवाल है, cos 20 - sin 10 sin 20। तो इसका फार्मूला होता है cos α cos β - sin α sin β, जो कि बराबर होता है cos α + β के। α 10 है β 20 है, 10 + 20 cos 30, और cos 30 भाई सबको पता है √3/2 होता है। ठीक है जी, ये हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ भी बड़ा अच्छा सवाल है, sec x 10, ये यहाँ भी 3x हो गया। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन चाहिए। देखो, क्या sec का डेरिवेटिव आगे मौजूद है, बिल्कुल मौजूद है, 3 की कमी है। तो अगर यहाँ मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ 1/3 भी लगेगा। जब इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो सिंपल सी बात है, ये किसका इंटीग्रेशन होता है, ये इंटीग्रेशन होता है sec 3x का, अपॉन में 3 आएगा क्योंकि एंगल 3 है, प्लस सी। ये भी हो गया। तो भाई देखो, NET का जो भी सवाल आते हैं इतना ज़्यादा टफ नहीं है, सिर्फ थोड़ी सी ट्रिक्स का इस्तेमाल है, और बाकी फिर तो क्वेश्चन बहुत है। हिस्ट्री फिजिक्स की मैंने अपलोड पहले ही कर दी थी, अब ये मैथ्स की वीडियो है कम्प्लीट। ठीक है, जो आज मैथ्स के क्वेश्चन आए ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर इसमें मौजूद हैं, ठीक है, आज के, और इंशाल्लाह करता रहूँगा जैसे ऐसे क्वेश्चन मेरे पास आते रहे। तो ये बड़ा अच्छा सवाल है, 2 + 5 i / ((1 - i) = x + y i) के। तो a, b · c, d, जब भी कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है तो देखो फार्मूला होता है ac + bd · c² + d² bc - ad · c² + d² a = 2k b 5k c 1k d - 1k। हम ये करेंगे, सारी वैल्यूज फार्मूले में पुट कर देंगे। देखो सबसे पहले क्या है फार्मूले में, ac (2 + 1 - 2) + bd (5 - -1 - -5). याद रहे, अब आयोटा नहीं आता, b खाली 5 होगा, d - 1 होगा, ऑलरेडी फार्मूला बना हुआ है। और c² - 1² + -1² फिर यहाँ 5 × 1 = 5 bc - ad, ए जो है ऑफकोर्स वो 2 है, d - 1 है। तो यहाँ ऊपर 2 - 5 - 3 बचा, नीचे तो 2 आ रहा है दोनों बार, ठीक है, c² + d² सेम ही आएगा। फिर 5 × 1 = 5 - 1 = 2 से गया 7, -3, 2 - 7, 2, ये आ गई आपकी x और y की वैल्यूज, और यही आपके गए हैं बच्चों आंसर। ठीक है, दोनों आंसर वेरी वेरी बड़ा अच्छा सवाल है, इफ़ 3x² + px + 7 = 0 हैज़ रूल रेल रूट देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर p इज, ऑप्शन में 9, 10, 84 and something। तो यह हो जाएगा 3x² + px + 7 = 0, डिस्क्रिमिनेंट होगा p² - 4ac > 0। ठीक है, तो p की जगह p का स्क्वायर -4, a की जगह 3, b की जगह 7,
4 3 12 12 7 84। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? ग्रेटर देन 84। अब ग्रेटर देन 84 अगर बी स्क्वायर है तो देखो बी क्या होगा, 9 point something, क्योंकि हमें पता है कि 81 किसका स्क्वायर होता है 9 का और 100 किसका स्क्वायर होता है 10 का, तो वैल्यू बिटवीन 9 एंड 10 है देगी। लेकिन यहाँ जो बात इन्होंने की थी कि रेल रूट देन स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है कि 9 point something से बड़ा, और 9 से जस्ट बड़ा एक ही नंबर है और वो क्या होता है 10, तो आंसर हो जाएगा 10। देखिए लिमिट पाई बाय 20 कॉस 4x है, तो हम क्या करेंगे कॉस 4x का जब इंटीग्रेशन करेंगे साइन 4x अपॉन 4 हो जाएगा, पाई बाय 2 और 0 वैसे ही रहेगा, ठीक है। फिर क्या करेंगे लिमिट अप्लाई कर देंगे, तो ये 1/4 बाहर ले लो, पहले अपर लिमिट x की जगह पाई बाय 2, फिर लोअर लिमिट। अब साइन 0 तो 0 होता है, उसको आप छेड़ो ही नहीं, ठीक है। और दूसरी बात इसमें एक बड़ी अहम होती है, यहाँ पे आ गया 2π, 2π का मतलब क्या है साइन 360, बल्कि ये भी 0 ही हो गया भाई, 2π का मतलब क्या है 360, यानी साइन 360 भी कितना होता है भाई 0, ठीक है। साइन की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, देखो एक बात सुनो ना, साइन 91 होता है, साइन 270 - 1 होता है, साइन 0, साइन 180, साइन 360 ये हमेशा क्या होते हैं 0, 0 को 1/4 से मल्टीप्लाई करो तो 0 ही आना है फाइनल आंसर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, लिमिट 1 और 0 एक्स की पावर 5 ई की पावर 7 माइनस 4 एक्स की पावर 6। वेल डियर, सीधी सादी बात है, जब भी एक्सपोनेंशियल का सवाल हो, जो भी एक्सपोनेंशियल में इसका डेरिवेटिव लो, 7 का डेरिवेटिव 0 होता है, ये 6 यहाँ गिर जाएगा 24 और पावर रह जाएगी x5 माइनस 24x5। मैं क्या करूँगा, माइनस 24x5 से डिवाइड कर दूँगा। वेल, ये x5 एक दूसरे को मार डालेंगे, हमारे पास बच जाएगा e की पावर 7 माइनस 4x6 अपॉन माइनस 24। माइनस 1 अपॉन 24 को अलग कर दो ज़रा। अब देखो दो लिमिट है हमारी, 1 1 0, पहले x की जगह 1 रखो, 1 की पावर 6 1 ही होता है, यहाँ 4 बचा, 7 माइनस 4 e क्यूब आ गया, और जब यहाँ 0 पुट करोगे तो ये तो सारा 0 हो गया, e की पावर 7 आ गया। अब देख लो आंसर इसी फॉर्म में तो सही है, हो सकता है एग्जामिनर ये कर ले कि माइनस कॉमन ले ले और e की पावर 7 माइनस e क्यूब अपॉन 24 कर दे, ये भी तो कर सकते हैं ना, कौन सा मुश्किल काम है, e की पावर 7 माइनस e क्यूब अपॉन 24। तो ये आप ऑप्शन में देख लीजिएगा किस फॉर्म में दिया है, असल काम जो करना था वो हमने यहाँ पे कर दिया है बच्चों। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, इन जी पी T3 इक्वल टू 9/4 और T5 इक्वल टू 81/4। यार देखो जब भी ऐसा साल आएगा मैं देखूंगा ये बेस और पावर क्या क्या खेल है, 9 होता है 3 का स्क्वायर, 4 होता है 2 का स्क्वायर, यानी कि यहाँ कुछ सिचुएशन है 3/2 का स्क्वायर की, और T5 दिया है 81/16, 81 होता है 3 की पावर 4 और 16 होता है 2 की पावर 4, यानी देखो यहाँ भी वही चल रहा है 3/2 की पावर 4। तो यार देखो T3 में पावर 2 आ रही है और सेम रेशो T3 और T5 का, बस फर्क ये कि T5 में पावर कितनी है 4, टर्न 3 पावर 2 टर्न 5 पावर 4। जब भी ऐसा होगा आंख बंद करके यकीन रखो A1 होगा और कॉमन रेशो R क्या होगा, यही जो है यानी 3/2 इज योर। देखिए बड़ा अच्छा सवाल है, ln x square plus x डेरिवेटिव, पहले तो ln में चीज़ अपॉन में चली जाएगी, फिर x square plus x का डेरिवेटिव लेंगे 2x + 1 अपॉन x square plus x, 2 माइनस cos 2x माइनस sin 2x निकालना है जब x 45 है, 45 2 सा 90 या cos 90, 45 2 सा 90, cos 90 0 होता है, sin 91 2 माइनस 1 1 आ जाएगा। यहाँ देखें sin x f x sin x है तो f डैश x cos x हो जाएगा, फिर cos x का दोबारा डेरिवेटिव लेंगे तो ये फाइनल आंसर माइनस sin x हो जाएगा। यहाँ y 6x स्क्वायर दिया है 1, -1 पे स्लोप चाहिए, पहले तो इसका डेरिवेटिव ले लो 12x, फिर x की जगह 1 पुट कर दो, 12 1 12, ठीक है स्लोप निकाल लिया। सेंटर ऑफ सर्कल पूछ रहे हैं, तो x की क्वेश्चन को -2 से डिवाइड किया 3, y की क्वेश्चन को -2 से डिवाइड किया -4, ये आंसर आ गया। tn 1/3 1 होल 2 अपॉन 3 3 4n - 3 होगी इसकी tn टर्म, 4n + 3 या 1/3 4n - 3, तो तरीका ये होता है पहले n 1 रखो, ऑप्शन से चेक करो,
जब हम यहाँ वन रखेंगे तो देखो फोर वन ज़ा फोर, फोर माइनस थ्री वन अपॉन थ्री, एंड टू रखने से फोर टू ज़ा एट, एट माइनस थ्री फाइव अपॉन थ्री, जो कि वन होल टू अपॉन थ्री आता है। जब थ्री रखोगे फोर थ्री ज़ा ट्वेल्व माइनस थ्री नाइन अपॉन थ्री, जो थ्री आता है। तो जनाब करेक्ट आंसर ये वाला ऑप्शन हो जाए। देखिए लिमिट x टेंस टू पाई अपॉन टू यानी 90 डिग्री cos x अपॉन x स्क्वायर। अब देखो यार कुछ लोगों को क्या बोलूं भाई, पाई बाय टू cos 90 क्या होता है, ज़ीरो। जब ऊपर ज़ीरो हो और नीचे ज़ीरो ना हो तो बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, ज़ीरो। कुछ इसमें शॉर्ट ट्रिक ढूंढने बैठ जाते हैं। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर सम इनका ज़ीरो होता है। cos अल्फ़ा बाय टू का फार्मूला एस एस माइनस ए अपॉन बी सी, और आयोटा क्यूब होता है माइनस वन। और ये सवाल जनाब जिसकी मैं बात कर रहा था, ये जनाब ए क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर माइनस बी का क्यूब। अब आप बोलोगे सर ए क्या है, ए हो गया एक्स प्लस टू, और बी हमारा भाई वन होगा ना, वन तो कहीं भी लगा सकते हैं यहाँ भी, वन का स्क्वायर भी और वन का क्यूब भी। तो ए माइनस बी का क्यूब हो जाएगा हमारा यहाँ x प्लस टू माइनस वन का क्यूब, यानी कि x प्लस वन का क्यूब। यही क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस एम एन इक्वल टू ज़ीरो। सम ऑफ रूट्स पूछ रहे हैं, सम ऑफ रूट्स होता है बच्चों माइनस बी अपॉन ए, माइनस फार्मूले का b की जगह माइनस l और a की जगह a, तो ये हो जाएगा l अपॉन a। अब ये आपका थ्री ए एफ एक्स डी एक्स अगर फाइव के बराबर है देन थ्री वन थ्री एफ ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स। तो देखो ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स की वैल्यू जब लिमिट थ्री और वन है, ऑलरेडी हम देख चुके हैं फाइव है, तो आंसर हो जाएगा थ्री फाइव ज़ा फिफ्टीन। वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू पूछा है, ये बहुत आता है सवाल। तो देखो वन प्लस कॉस एक्स अपॉन टू कॉस स्क्वायर एक्स होता है, और यहाँ एंगल टू की जगह हम फोर कर रहे हैं तो यहाँ भी डबल हो जाएगा। वन प्लस कॉस फोर एक्स अपॉन टू हो जाएगा कॉस स्क्वायर टू एक्स। इसी तरह यहाँ देखो 2x ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन का इंटीग्रेशन ही 2x होता है, तो डायरेक्ट आ जाएगा एल एन एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसी तरह एल एन एक्स डी एक्स बड़ा हेम रिजल्ट है, एक्स एल एन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। अब बच्चों सेंट्रिसिटी 3 बाई टू दी है, कह रहे कौन सा कोनी होगा, सरकार पहला बोला एलिप्स हाइपर बोला। तो याद रखो सेंट्रिसिटी जब 1 से ग्रेटर होती है तो हाइपर बोला होता है। देखो बच्चों जीपी में सेकेंड टर्म 6 है, फिफ्थ टर्म 48 है, तो आर क्यूब क्या होता है, 48 को 6 से डिवाइड कर लो, आर क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और आर हो जाएगा 2। एस 10 सम ऑफ 10 टर्म चाहिए, जी बी का फार्मूला सम का ए आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन जब आर ग्रेटर देन वन हो। तो ऑफ कोर्स ए 3 आ जाएगा, 2 की पावर 10 माइनस वन 9, और 2 की पावर 9 10 माइनस वन। तो भाई ये इसमें ख्याल रखिएगा पहले 2 की पावर 10 निकालेंगे हम, 1024 होती है, 1 माइनस किया 1023, 1023 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 3069। ठीक है, ये भी इंशाल्लाह कभी सिखाऊंगा कैसे कैलकुलेटर से फर्स्ट कैलकुलेशन होती है। अब देखो रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर की इंटीग्रेशन, पहले तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन टू, वन अपॉन एक्स का एल एन एक्स प्लस टू का प्लस टू एक्स, और यहाँ इसको ओपन करना है भाई, ओपन कर लेना डिटरमिनेंट को वन। एस बराबर है टू की पावर ए के, कह रहे हैं टू ए की पावर ए प्लस थ्री क्या होगा, तो टू ए की पावर प्लस थ्री का अलग है, थ्री को अलग कर लें, बेसिस सेम हो, पावर सेम है ना, बेस अलग। तो टू की पावर थ्री एट होता है, और टू की पावर ए क्या माना हुआ था हमने एक्स, तो इसका आंसर है एट एक्स। ठीक है, आंसर इसका क्या था एट एक्स, बड़ा आसान है, टू का क्यूब एट और एट है। sec 3x cos 3x इंटीग्रेशन, ये बच्चे पता नहीं क्या क्या करने बैठे जाते हैं। अबे भाई रेसिप्रोकल है, कट जाएगा वन बचेगा, और वन का इंटीग्रेशन क्या होता है x प्लस सी। प्रोबेबिलिटी नो s आने की, के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होती है भाई, 4/52 यानी कि 1/13, तो ना आने की क्या होगी, 1 में से 1/13 माइनस कर दो सिंपल 12/13। n प्लस वन का वेक्टोरियल अपॉन n माइनस वन का वेक्टोरियल, तो देखो इसको ओपन करेंगे n प्लस वन इंटू एन माइनस वन का वेक्टोरियल, और नीचे n माइनस वन का वेक्टोरियल कैंसिल हो गया, n इंटू एन प्लस वन एन स्क्वायर प्लस एन,
कौन सा लॉ है जो कन्वर्ट होता है पैथागोरस थ्योरम में? तो लॉ ऑफ कोसाइन, लॉ ऑफ कोसाइन है जो के बच्चों पैथागोरस थ्योरम में कन्वर्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 है। फोकाई हाइपरबोला के निकालने हैं। पहले तो देखो नॉर्मल हाइपरबोला है क्योंकि एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो हाइपरबोला में सी स्क्वायर निकलता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 16 प्लस 9 25। और अगर नॉर्मल हाइपरबोला हो तो उसमें फोकाई होता है प्लस माइनस सी कॉमा जीरो। अगर सी स्क्वायर 25 है तो बच्चों सी क्या होगा? 5 प्लस माइनस 5 कॉमा। तो बड़ा अच्छा सवाल है, 3 प्लस एक्स की पावर 7 एक्स क्यूब का क्वेश्चन चाहिए। देखो अगर एक्स पे पावर 3 चाहिए तो जो दूसरा रिमेनिंग है इस पे पावर कितनी होगी? 7 माइनस 3 यानी 4, और हम ले लेंगे 7 का कम्बिनेशन 3 से क्योंकि एक्स क्यूब चाहिए। 7 का कम्बिनेशन आ जाएगा 35, 3 की और 4 81, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट चाहिए, मल्टीप्लाई करते हैं 2835। ठीक है, मेरी जैसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए टाइम चाहिए होता है भाई। अब एक्स प्लस 10 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 10 जी पी में आपसे कह रहे हैं एक्स निकालें और सम ऑफ इन्फिनिटी। सम ऑफ इन्फिनिटी का फार्मूला होता है एस इक्वल टू ए अपॉन 1 माइनस आर। तो देखो इसका तरीका होता है जी पी में सेकेंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म बराबर होती है थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के, ये आता है कॉमन रेशो आर और ए होती है फर्स्ट टर्म। तो ए एक्स प्लस 10 एक्स माइनस 2 और फिर थर्ड टर्म अपॉन सेकेंड टर्म एक्स माइनस 10 एक्स माइनस 2। देखो इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से आएगी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 26 आ जाएगी। जब एक्स की वैल्यू 26 आ गई तो 26 प्लस 10 36 हमारा ए हो गया। 26 माइनस 2 सेकेंड टर्म 24 आ गई, 24 अपॉन 36 आर 2 बाई 3 आ गया। आर 2 बाई 3 और ए 36 रख के आपका टर्म इन्फिनिटी भी आ जाएगी 108। फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिए 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 कह रहे हैं, प्रोडक्ट निकालना। प्रोडक्ट में होता है ये कांस्टेंट का क्वेश्चन जो कि 2 है हमारा, और एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन जो कि 3 है। आंसर 2 अपॉन 3। ठीक है, 9 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स अपॉन 3 प्लस 6। फिर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर एन कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा, डी मोइवर्स थ्योरम होता है। ए अगर माइनस ए ट्रांसपोज के बराबर है तो इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। बच्चों लिमिट एक्स टेंस टू जीरो तो हम कहेंगे कि एक्स इंटू एल एन एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। और इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स ये क्या हो जाएगा? एल एन एफ ऑफ एक्स प्लस सी। रेड किंग जो हैं कितने होंगे? तो देखो टोटल 52 कार्ड्स में से 4 वैसे होते किंग, रेड किंग से ट्रू हो जाएंगे। 2 अपॉन 52 1 अपॉन 26। ए पी जी पी और एच पी में अगर रिलेशन है तो ज्योमेट्रिक मीन जो है ये अर्थमेटिक और हार्मोनिक की भी मीन होती है, यानी जी स्क्वायर इक्वल टू ए एच। कॉस एक्स की रेंज माइनस 1, 1। मैट्रिक्स है 1, 1, 1 ए एक्स सी बी बी एक्स, तो ए एक्स बराबर हो जाएगा ए कॉमा बी के। एक्स की वैल्यू चाहिए, डिटर्मिनेंट ओपन करो और फाइनली एक्स की वैल्यू आ जाएगी ए कॉमा। दो क्वेश्चन हैं और दोनों में फर्क ध्यान में रखना। एक में स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए एक्स वाई के बराबर दिया था और टेन ए चाहिए था, तो यह आंसर है 2xy y² माइनस एक्स स्क्वायर। अगले सवाल में 1 प्लस कॉस ए अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस कॉस ए बराबर दिया था एक्स अपॉन वाई के, तो यहाँ टेन ए का आंसर ये होगा 2xy x² माइनस y². ये वाला मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है, इसमें देख लीजिए भाई, अपने पास से 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, ये बन गया साइन थीटा बाई 2 का फार्मूला है कॉस थीटा बाई 2 का जो कि टेन थीटा बाई 2 होता। मौजूदा कोर्स में तो हम ए ले रहे हैं तो टेन ए बाई 2 हम कहेंगे एक्स वाई के बराबर है। आप बोलोगे सर टेन ए का क्या फ़ायदा, टेन ए अपॉन 2 का क्या फ़ायदा, हमें तो टेन ए चाहिए। अरे बता रहा हूँ ना, टेन 2 ए बराबर होता है 2 टेन ए 1 माइनस टेन स्क्वायर ए के। तो जब 10 टू ए की जगह 10 ए होगा तो फार्मूला भी चेंज हो जाएगा 2 10 ए अपॉन 2 ए अपॉन 2 यानी एक्स वाई 1 माइनस 10 ए अपॉन 2 का स्क्वायर यानी एक्स अपॉन वाई का स्क्वायर। अब देखो ये तो ऊपर 2xy हो गया, ये एलसीएम लो, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर बिल्कुल ऊपर जाएगा और वाई स्क्वायर और ये वाई कट जाएगा, ऊपर आ जाएगा 2xy नीचे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये आंसर कब आएगा? जब देखो ऊपर 1 माइनस कॉस ए और नीचे 1 प्लस कॉस ए,
और बिल्कुल उल्टा आंसर आएगा अगर यहाँ ऊपर 1 प्लस कॉस है और नीचे 1 माइनस कॉस है तो आंसर ही ए की पावर के प्लस 1 अगर ए के बराबर है तो मैट्रिक्स कहलाएगा पीरियोडिक मैट्रिक्स। टू डाइस हैविंग सेम फेसेस, ये मैंने बहुत कराया था, टू डाइस हैव सेम फेसेस या हुज एब्सोल्यूट डिफरेंस इज जीरो का आंसर हमेशा क्या होगा 1/6 यानी 1.1 2.2 3.3 4.4 5.5 6.6 टोटल 6 होते हैं 36 से डिवाइड करेंगे 1/6 1 इंटू ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 के बराबर। कॉस 3x का सोल्यूशन, तो देखो भाई कॉस इनवर्स या कॉस आर्क एक ही बात है, आर कॉस का मतलब इनवर्स होता है, आर कॉस ऑफ और ये वाला 3 है तो एक्स चाहिए ना तो वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। फाइनल आंसर 1/3 आर कॉस 1/2 आर का मतलब याद रखो क्या होता है इनवर्स होता है, जहन में रखो। ये इंटीग्रेशन के मैंने जो शॉर्ट ट्रैक फार्मूले थे उन्हीं में से है डी एक्स ए एक्स प्लस बी 1/a एल एन ए एक्स प्लस बी, ये जो x का कोएफिशिएंट है यहाँ पॉन में आ जाए। ये सवाल e की पावर x प्लस 1 पॉन ई एक्स माइनस 1 तो u ओवर v का फार्मूला लगेगा माइनस 2 ई की पावर x माइनस 1 का स्क्वायर। और यहाँ देखो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे हम, इससे पहले इसको बना देंगे कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब डिनोमिनेटर में जो कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर एक्स है वो इसको ऑफ कोर्स कैंसिल कर देगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 तो फाइनल आंसर 1 आ जाएगा। लिमिट एक्स टेंड्स टू इनफिनिटी ये भी हमारे शॉर्ट ट्रिक फार्मूले में से था, एल एन एक्स अपॉन एक्स किसके इक्वल होता है 0 के, जो मैंने लिखवाए थे। और e की पावर 10x आगे इसका डेरिवेटिव दिया था फंक्शन e की पावर में और आगे उसका डेरिवेटिव हो तो आंसर वही e फंक्शन होता है, यानी इसका आंसर हो जाएगा e की पावर 10x प्लस। देखिए बड़ा अच्छा है, लेट a इक्वल टू पूरा मैट्रिक्स दिया है, इफ़ a डिटर्मिनेंट इक्वल टू 12 एंड मैट्रिक्स b इज इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स a देन b डिटर्मिनेंट। तो एक ट्रिक हमेशा रखो, अगर किसी दो मैट्रिक्स का मैट्रिक्स a का डिटर्मिनेंट 12 है और मैट्रिक्स बी कह रहे हैं वो ट्रांसपोज है ए का, तो बी का डिटरमिनेंट भी वही होगा जो ए का डिटरमिनेंट है। क्या है भाई ए का डिटरमिनेंट 12 तो बी का भी क्या होगा, देखिए इसको सॉल्व करना है 1 + sin x 1 - sin x। पहले तो अगर एलसीएम लें तो ये जी 1 + sin x 1 - sin x ठीक है ये आएगा और ऊपर जो है 1 - sin x + 1 + sin x ठीक है 2/1 - sin² x यानी 2/cos² x यानी 2 sec² x इज योर आंसर। और बच्चों यही आपका आंसर है, 2 red, 4 yellow, 3 blue ball हैं, रेड बॉल आने की प्रॉबिलिटी तो ऑफकोर्स 2 पर आएगा, एक बॉल सेलेक्ट करनी है अगर तो 2, 4 और 3 टोटल 9 balls 2/9 इक्वेशन बनानी है जिसके रूट -4 और 7 है तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 एक्स स्क्वायर है -4 और 7 का मतलब है -3x माइनस बल्कि +3x और माइनस -3 आएगा ना क्या माइनस सम एक्स है तो -4 + 7 3 आया और फिर -3 प्रोडक्ट इनकी हो जाएगी -28 = 0 ठीक है जी। और कह रहे हैं कि इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy + by² इमेजिनरी किस कंडीशन में होगी, तो इमेजिनरी तब होती है जब एच स्क्वायर माइनस ए बी लेस देन 0 और इक्वल टू 0 तो क्या होगी इक्वल ग्रेटर देन 0 तो रेल इमेजिनरी पूछी है तो लेस देन। कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ हाइपरबोला इस 9x स्क्वायर -16y² = 144 द एसेंट्रिसिटी हाँ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फोकाई विल बी। अब देखो बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले 144 से इक्वेशन को डिवाइड कर लो तो ये एक्स स्क्वायर अपॉन 16 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1 चूँकि एक्स पॉजिटिव है इसका मतलब है नॉर्मल हाइपरबोला है। अब ए स्क्वायर आपका हो गया 16 बी स्क्वायर हो गया आपका 9 सी स्क्वायर बराबर किसके होता है
हाँ जी, दो बातें, एलिप्स कर रहे हैं या आप हाइपरबोला कर रहे हैं? एलिप्स के अंदर सी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं बल्कि प्लस के। एलिप्स में माइनस होता है और हाइपरबोला में प्लस होता है। सो 9 प्लस 16 25 का रूट 5 एंड ऑफ कोर्स प्लस माइनस सी कॉमा जीरो, तो ये प्लस माइनस 5 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला दोबारा 144 से डिवाइड करो, वाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1। अब ये कॉन्जुगेट हाइपरबोला है क्योंकि x नेगेटिव है, ठीक है। x के नीचे भाई ए स्क्वायर ही होता है और इसके नीचे बी स्क्वायर ही होता है। आपसे फोकाई की बात हो रही है, फिर वही ए स्क्वायर बी स्क्वायर एडअप होंगे, लेकिन अब जो है फोकाई वो जीरो कॉमा प्लस माइनस सी होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज योर आंसर, क्योंकि नॉर्मल नहीं कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। कैसे पता चला? x नेगेटिव। द इंटरसेप्ट मेड बाय सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एट एक्स माइनस फोर वाई माइनस नाइन इक्वल टू जीरो ऑन द एक्सिस आर। अब जनाब देखें, बात ये होती है कि x इंटरसेप्ट का फार्मूला होता है 2g² माइनस सी, y इंटरसेप्ट का होता है 2f² माइनस सी, ठीक है। और इशू क्या होता है कि देखो 2g बराबर 8 के तो g बराबर 4 के, 2f बराबर माइनस 4 के तो f बराबर माइनस 2 के, और c हो गया माइनस 9, ठीक है। हम क्या करेंगे, ये वैल्यूज इधर पुट कर देंगे। x इंटरसेप्ट के लिए 2g² माइनस सी, तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 जिसका रूट 5, 5 टू ज़ा 10, ये x इंटरसेप्ट आ गया। y इंटरसेप्ट कैसे आएगा? 2f² माइनस सी, एफ़ 2 है माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 रूट 13 2, यानी 2 रूट 13। x इंटरसेप्ट 10 और y इंटरसेप्ट 2 रूट 13, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। देखिए सवाल दिया हुआ है, इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 16x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 16, द इक्वेशन ऑफ इट्स डायरेक्ट्रीज विल बी। तो ये कंपेयर करेंगे, x माइनस h का स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस y माइनस k का स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1। चूँकि ये नॉर्मल हाइपरबोला है, y नेगेटिव है, a स्क्वायर 1 b स्क्वायर 2, तो c स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3। तो अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रीज हमारी क्या होगी भाई? प्लस माइनस ए प्लस एच, और इसको हम ये भी लिख सकते हैं प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी प्लस एच। तो ए का स्क्वायर 1 और ये रूट 3 हो जाएगा प्लस एच। अब भाई माइनस एच 1 के बराबर है तो एच माइनस 1 के हो जाएगा, ये माइनस 1 चाहो तो इधर लागे प्लस 1 कर लो। सो ये आंसर हमारा आ जाएगा भाई। अब देखिए कह रहे हैं इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 2x² माइनस y² इक्वल टू 10, द डिस्टेंस बिटवीन इज फोकाई विल बी। पहले तो 10 से डिवाइड कर दें, x² अपॉन 5 माइनस y² अपॉन 10 इक्वल टू 1 आ जाएगा। नॉर्मल हाइपरबोला है क्योंकि x पॉजिटिव है। अब जब हम डिवाइड करेंगे तो ए स्क्वायर बल के 5 है और बी स्क्वायर 10 है। खैर सी स्क्वायर चूँकि सम होता है तो 10 प्लस 5 15 हो जाएगा, 15 का रूट यानी सी रूट 15 हो जाएगा। डिस्टेंस बिटवीन टू फोकाई होता है 2 से, तो रूट 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 रूट 15 आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद बच्चों अगला इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला इज 16x² माइनस 25y² इक्वल टू 400। 400 से इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, x² अपॉन 25 माइनस y² अपॉन 16 इक्वल टू 1। आपसे कह रहे हैं लेंथ ऑफ ट्रांसफर एक्सिस, देखो नॉर्मल हाइपरबोला जब हो यानी x पॉजिटिव तो लेंथ ऑफ हाइपरबोला होती है 2a, a स्क्वायर अगर 25 है तो a 5 होगा, 5 टू ज़ा 10 आंसर हो जाएगा 10। अहम टॉपिक होता है सर्कल। अब सर्कल में भी एक सर्कल वो होता है जिसका सेंटर ओरिजिन पे हो, ओरिजिन यानी 0, 0, ये हमें अच्छी तरह पता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस। और जब सर्कल का ओरिजिन जीरो हो तो सर्कल की इक्वेशन होती है x² प्लस y² इक्वल टू r², r से मुराद रेडियस। अगर हमें ये r² बताओ तो एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, यानी बहुत आसानी है क्योंकि फार्मूला होता है पाई r². अब सवाल इस जब में आया था, इस सर्कल इन अ xy प्लेन हैज एन इक्वेशन x² प्लस y² इक्वल टू 16। वाओ मसला हल हो गया,
इसी टाइप की इक्वेशन है, यानी सेंटर ओरिजिन पे पूछा नहीं है हमें तो, सर एरिया पूछा है, आर स्क्वायर आ गया, तो व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर होता है, आंसर हो जाएगा 16 पाई। लेकिन भाई कभी कभी ऐसे भी तो हो सकता है कि सेंटर जो है वो ओरिजिन पे ना हो, यहाँ कहीं हो, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल फिर होती है एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखो जैसे कि अगला सवाल है, सर्कल इन अ एक्स वाई प्लेन हैज़ एन इक्वेशन, देखते ही मुझे अंदाज़ा हो जाता है इक्वेशन के भाई ये ओरिजिन पे है या ओरिजिन पे नहीं है। जैसे कि ओरिजिन पे नहीं है सेंटर, क्योंकि ओरिजिन पे सेंटर होगा तो इस तरह की इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर वाली। अब अगर हम कंपेयर करें तो देखो एच बराबर 3 के हो गया, और क्योंकि देखो बेसिकली माइनस एच इक्वल टू माइनस 3 तो एच बराबर 3 के हो गया, ठीक है, और माइनस के अगर 4 के बराबर है तो के खुद किसके बराबर हो जाएगा, माइनस 4 के। याद रहे जब हम कंपेयर करते हैं ये एक्स ये के, तो ये हमारे पास एच और के आ गए। एच और के क्या होते हैं, हमेशा रखो सेंटर ऑफ सर्कल, यानी सेंटर ऑफ सर्कल आ गया इसका 3 कॉमा माइनस। अल्लाह ताला आपको सारे सॉल्व करवाऊंगा पेपर, और डेली का ये सिलसिला रहेगा भाई। 8 जुलाई को अभी ये जो पेपर हुआ है आज, ठीक है, फिज़िक्स के सारे क्वेश्चन हैं, ये भी मैं आपको अब इसकी वीडियो दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। केमिस्ट्री में सर सब्जेक्ट की इंशाल्लाह आपको मेरे चैनल अमीन एजुकेशन पे मिलेगी। देखिए ये सवाल भी आया है पेपर में, व्हेन वेव इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट द फेस चेंज विल बी इक्वल टू, तो करेक्ट आंसर है 180 डिग्री यानी पाई रेडियन, ठीक है, 180 डिग्री या पाई रेडियन। व्हेन अ वेव इज़ रिफ्लेक्टेड फ्रॉम रिजिड सपोर्ट द फेस चेंज विल बी इक्वल टू 180। देखिए जी बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, साउंड ट्रैवल एट 330 मीटर पर सेकेंड इन एन एयर, इफ़ अ नोट ऑफ 150 हर्ट्ज़ इज स्ट्रक ऑन अ पियानो द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव इज, तो वेलोसिटी को फ्रीक्वेंसी से डिवाइड करो यानी 330 डिवाइड बाय 150, फाइनल आंसर 2.2 मीटर। तो बहुत सिंपल सी बात है, वेलोसिटी डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी वेव लेंथ आ जाएगी। बड़ा अच्छा सवाल है, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग अंडर अ सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड, फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड व्हेन टेंशन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स। टेंशन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स का मतलब क्या है, 4 का रूट जो कि होता है डबल, टेंशन डबल, टेंशन डबल होने का मतलब है, देखो पास सिंपल से बात है, फ्रीक्वेंसी की रिलेशन टेंशन से होती है, स्क्वायर रूट ऑफ टेंशन, या कह रहे हैं टेंशन 4 टाइम बढ़ी है तो 4 का रूट फ्रीक्वेंसी कितने टाइम बढ़ेगी, 2 टाइम्स, डबल हो जाएगी। अभी फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है भाई, 100, तो 100 को क्या करें, मल्टीप्लाई किससे कर दें, 2 से, करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 200। फिर देख लो, वाइब्रेटरी स्ट्रिंग अंडर अ सर्टेन टेंशन प्रोड्यूस 100 वाइब्रेशन पर सेकेंड, यानी फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, फाइंड द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस पर सेकेंड व्हेन द टेंशन इंक्रीज बाय 4 टाइम्स, तो 4 का रूट क्या होता है भाई, 2 टाइम्स हो जाएंगी। हाँ अगर टेंशन 9 टाइम्स होता तो 9 का रूट 3, 100 3 का 300 हो जाती है, ये टेंशन 16 टाइम होता तो 4 टाइम बढ़ जाती है, 25 होता तो 5 टाइम बढ़ जाती है। देखिए बड़ा अच्छा सवाल था, सबसे अच्छा क्वेश्चन 2022 के टेस्ट का, 1 kg stone फॉलिंग फ्रॉम 10 मीटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड विद वेलोसिटी, एक ऑप्शन है 34.14, 24.14, 14.14। देखो एक बात सुनो, जब भी फ्री फॉल मोशन हो और इनिशियल वेलोसिटी 0, ये फार्मूला होता है vf स्क्वायर इक्वल टू 2gs। अब यहाँ पे देखो तो 2 × 9.8 × 10 196, vf स्क्वायर 196 किसका स्क्वायर होता है भाई, 14 का होता है, तो इन ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन है जो 14 के करीब है, 14 पॉइंट। तो ये बड़ी अच्छी MCQs है, इन स्टॉक्स लॉ विस्कस फोर्स इज नॉट प्रोपोर्शनल टू कोफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी, रेडियस ऑफ स्फीयर, मास ऑफ स्फीयर, तो देखो नॉट पूछा है ना, तो करेक्ट आंसर होगा मास ऑफ स्फीयर। फिर व्हेन ओमेगा इज इंक्रीजिंग देन अल्फा एंड ओमेगा विल बी, तो करेक्ट आंसर है पैरेलल, ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो दोनों की रिलेशन क्या होगी, पैरेलल, वेरी वेरी। ये बड़ा अच्छा है, टू रिप्लेस अ ब्राइट फ्रिंज बाय नेस ब्राइट फ्रिंज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर इज, बात मिरर की हो रही है, तो करेक्ट आंसर है लैम्डा बाय 2। टू इंटरचेंज द फ्रिंज डिस्प्लेसमेंट ऑफ मिरर इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर इस, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैम्डा बाय 4, ठीक है जी। सिंपल हार्मोनिक मोशन पे एट एक्सट्रीम पोजीशन पूछा है,
काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? मैक्सिमम। फिर पूछा है सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के दरमियान में एंगल तो होता है थीटा 90, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ऑब्स्टिकल जो होता है और जो बेंडिंग ऑफ लाइट कर देता है फिनोमेना डायफ्रेक्शन, और उसमें अगर फाइनाइट डिस्टेंस हो तो फ्रेसनल, इनफाइनाइट हो तो फ्रेनहोफर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पूछा था रेडियन। फिर ये न्यूमेरिकल है, फोर्स है 4i-2j और ये 3i+4j। देखो डॉट प्रोडक्ट वाली बात है, ठीक है, तो सिंपल डॉट प्रोडक्ट की बात है यहाँ। 4 3 12, मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, -24 -8 यानी ये 4 जूल्स आ जाएगा। रेजिस्टेंस इन फ्लो ऑफ लिक्विड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। किलो, अब किलो वाट आवर में दो तरह से MCQs आई थी, एक तो आया था किसका यूनिट है, एक बार एनर्जी और बर्डन था, ठीक है, बोथ ए एंड बी, और एक बार आया था किलो वाट यूनिट इज नॉट द यूनिट ऑफ किलो वाट आवर। तो ऑफकोर्स पावर का नहीं था, बाकी ऑप्शन एनर्जी और वर्क ही थे। अगर वेलोसिटी डबल हो जाए, मास 4 times कम हो जाए, तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा? देखो ये स्क्वायर हो गए, 2 का स्क्वायर 4, ये 4 times कम हो गए, 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर क्या होगा? रिमेन्स द सेम। पहला सवाल, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट क्या होती है? तो याद रखो हमेशा 1 होती है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड की प्रोडक्ट क्या होगी? 1 होगी। ब्रेक्स लॉ की स्टेटमेंट, 2d sin θ = m λ। डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग में 2 नहीं आता और d वहाँ डायफ्रेक्शन ग्रेटिंग होता है। समेशन ऑफ टॉर्क इक्वल टू 0 का मतलब है कि बॉडी मूविंग है या इक्विलिब्रियम में, तो इक्विलिब्रियम, और ये सेकेंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। अब देखो एक सवाल आया था सिंपल पेंडुलम और सिंपल हार्मोनिक मोशन के हवाले से, उसमें था कि एट इक्विलिब्रियम पोजीशन इस तरह था, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो सिंपल पेंडुलम हार्मोनिक मोशन में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। इन पूछा है ml² t-2 किसकी डायमेंशन है? काइनेटिक एनर्जी की, वर्क की, एनर्जी की, तो ऑल ऑफ दैम। फिर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला f0/f। फिर पूछा है प्रोजेक्शन ऑफ a ऑन b का फार्मूला, तो ये बहुत डिटेल में हमने किया था, a.b/v का मैग्नीट्यूड। फिर फोर्स और टाइम इंटरवल की प्रोडक्ट किसके इक्वल होती है? जी इम्पल्स के इक्वल होती है। फिर पूछा है फाइनल इमेज कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्या होगा? इन्वर्टेड होगा। अच्छा जी, अगर एंगुलर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है टॉर्क का समेशन जीरो है। फिर फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला हम देख चुके हैं, λ L/d कह रहे हैं। अगर d डिक्रीज होगा तो फ्रिंज स्पेसिंग ऑफकोर्स इंक्रीज होगी यार। देखो ना, डिनोमिनेटर डिक्रीज होता है तो वैल्यू क्या होती है? हमेशा इंक्रीज होती है, जहन में रखना है। बड़ा अच्छा सवाल है, कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट अटेन स्पीड 20 m/s ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन एट 30° द एक्सेलरेशन इज। अब मेजॉरिटी तो डाटा देख के परेशान हो जाती है कि करना क्या है। ओ भाई, इंक्लाइन प्लेन का जब भी सवाल आता है हमें ये करना होता है a = g sin θ, और थीटा 30 है, साइन 30 कितना होता है? हाफ 9.8 का हाफ। 9.8 का हाफ क्या होता है? 4.9 m/s। इनिशियल या फाइनल स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है। अब यहाँ देखो 600 N रन्स हिल्स 4 m हाई इन 3 seconds, फाइंड पावर। तो जनाब पावर का एक मेरा ट्रिकी फार्मूला होता है, फोर्स मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइड बाय टाइम। ये 600 × 4/3 काटा, 200 × 4 800। फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 800। देखिए कैपिटल जी यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट ग्रेविटेशन, इसकी डायमेंशन बहुत पूछी है, m-1 l-3 t-2, और एक शिफ्ट में पूछा था कि डिस्कवर किसने किया था? कैवेंडिश ने। एक शिफ्ट में पूछा था कैवेंडिश ने डिस्कवर किस ईयर में किया था? 1798 में। तो कैपिटल जी में NED में 3 इसी साल आए। कह रहे हैं पावर जीरो कब होगी? जब फोर्स और वेलोसिटी के दरमियान में एंगल क्या होगा? तो देखो पावर का फार्मूला होता है v.f, तो ऑफकोर्स थीटा 90° पे जीरो हो जाएगी। अब एक अच्छा न्यूमेरिकल आया है कि s अगर 2 आ रहा है तो थीटा क्या होगा? तो फार्मूला होता है s = r θ, वेयर थीटा इन रेडियन। तो यहाँ 2 आ रहे हैं, r उधर जाके डिवाइड, थीटा आ गया 2 radian। ऑप्शन में 2 radian था ही नहीं, बल्कि 114° था, क्योंकि 1 radian 57.3° होता है, 57 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 114°।
फिर एक बड़ा अच्छा सवाल था कॉन्सेप्चुअल के जुपिटर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ से ज़्यादा होता है 2.63 में, तो बताइए मास वहाँ पे क्या होगा? तो मास ऑफ कोर्स सेम होगा, मास में तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, वेट पे पड़ता है। अब वेट पूछा जाता तो जितना जुपिटर पे वेट है अर्थ पे वेट उससे 2.63 टाइम कम हो जाएगा, और जितना अर्थ पे वेट है जुपिटर पे 2.63 टाइम ज़्यादा हो जाएगा। फिर पूछा था कि किसी इंसान का वेट जो है वो अर्थ पे 600 न्यूटन है, मून पे क्या हो जाएगा? तो वेट तो चेंज होता है, कितने हिसाब से चेंज होगा? 6 टाइम कम हो जाएगा, मून पे हमेशा 6 टाइम कम हो जाएगा, 600 को 6 से डिवाइड करें 100 न्यूटन। फिर पूछे वॉट पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट है, क्या लाउडनेस का क्या इंटेंसिटी का? तो भाई दोनों का ही होता है। फिर सेंट्रीपेटल एक्सेलरेशन का क्रैक फार्मूला, ये मैंने सारी चीज़ बहुत डिटेल में कराई थी, वी स्क्वायर अपॉन आर, 4 पाई स्क्वायर आर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, आर ओमेगा स्क्वायर। तो जनाब ये सारे के सारे भी होते हैं। वेलोसिटी जब डिक्रीज होती है तो एक्सेलरेशन भी क्या होता है? डिक्रीज होते हैं। डेसीबेल यूनिट है इंटेंसिटी लेवल का। चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइड बाय चेंज इन टाइम टॉर्क होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होती है, और ये भी बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता टॉपिक कि लेंस अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो तो इमेज एफ। बड़ा अच्छा सवाल है एनईटी के पेपर का, ए 1500 kg व्हीकल यानी कार स्टार्ट विद रेस्ट अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड इन 10 सेकेंड, द फोर्स एक्टिंग बाय इट इज, तो VI 0 रेस्ट का मतलब है VF 40, टाइम 10 सेकेंड है, ए निकलता है VF माइनस VI अपॉन टी, 40 माइनस 0 अपॉन 10 ही आ गया फोर्स। अरे एक्सेलरेशन फोर्स आ गया तो फोर्स होती है एफ इक्वल टू एम ए, मास आपका 1500 है, फोर्स से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर 6000 न्यूटन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए बड़ा एम है, अंडर वॉट कंडीशन विल द मीटर ब्रिज बी मोर सेंसिटिव, P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस, मेरा ख्याल यही वाली होगी, ठीक है, P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर इक्वल टू एस। और इफ 400 वेव्स पर सेकेंड पास थ्रो अ मीडियम एट अ स्पीड ऑफ 320 मीटर पर सेकेंड द वेव लेंथ ऑफ दिस वेव इज, 320 को अगर हम 400 से डिवाइड करेंगे तो ऑफकोर्स कितना आएगा 0.8, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? 0.8 मीटर ही होना चाहिए, ठीक है बच्चों? जी हाँ, 320 डिवाइड बाय 400, 0.8 मीटर। MCQs, एंगुलर स्पीड ऑफ मिनट हैंड क्लॉक इज, दिस इज फिक्स, क्या होती है जी? पाई अपॉन 1800 रेडियन पर सेकेंड। देखिए कह रहे हैं ट्रांसफॉर्मर किस प्रिंसिपल पे बेस करता है, तो म्यूचुअल इंडक्शन, ये सारे 2022 के जो मोस्ट रिपीटेड हैं, ठीक है, सारे अब एक साथ। फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला लैम्डा एल अपॉन टी। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फोकल लेंथ ऑफ आई पीस फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से इक्वल होती है, लेसर या ग्रेटर, तो भाई याद रखो कोई भी माइक्रोस्कोप हो फोकल लेंथ ऑफ आई पीस हमेशा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट से ग्रेटर होती है। टॉर्क कह रहे हैं मैक्सिमम कब होगी, तो देखो आर क्रॉस एफ फार्मूला होता है, और कॉस क्रॉस प्रोडक्ट कोई भी हमेशा थीटा 90 पे मैक्सिमम होती है, तो आंसर होगा 90 डिग्री। फिर पूछा था विच ऑफ फॉलोइंग रिप्रेजेंट द एंगुलर मोमेंटम फार्मूला, तो देखो एंगुलर मोमेंटम वैसे तो MVR होता है, लेकिन एक और भी इसकी फॉर्म होती है, वो होती है MR स्क्वायर ओमेगा, तो इन्होंने MR स्क्वायर ओमेगा वाला ही ऑप्शन दिया हुआ था, तो वही हमारा करेक्ट है, अगर दोनों दिए होंगे तो वो तो MV हो जाएगा। फिर कह रहे हैं लाइट न्यूक्लियाई से हैवी न्यूक्लियाई में जो कन्वर्ट होता है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? फ्यूजन, हैवी से लाइट फ्यूजन। फिर वर्डन मैक्सिमम कब होता है जी, कितने एंगल पे? तो थीटा 0 पे, क्योंकि हम कहते हैं एफ डॉट डी वर्डन इनटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 पे मैक्सिमम होती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की लेंथ का फार्मूला पूछा था, एफ नॉट प्लस एफ। अब एक बात याद रखो, टेलीस्कोप कोई भी हो या एफ नॉट एफ ई से बड़ा होता है। और मोस्ट एबेंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट, ये केमिस्ट्री का सवाल फिजिक्स में पूछ लिया था, तो जी ऑक्सीजन हो। कंडक्टिविटी ऑफ सुपर कंडक्टर इनफाइनाइट होती है। फिर कह रहे हैं अगर ऑब्जेक्ट एफ और टी एफ के दरमियान में, तो उसका इमेज क्या होगा? रेल एंड इन्वर्टेड, बहुत डिटेल में चार्ट बनाया था हमने। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम बच्चों होता है फोर्स, और याद रखो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम हो तो फिर क्या होता है? टॉर्क होता है, ठीक है। पी यू का एटॉमिक मास 242,
नंबर दिया 94 नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलते हैं? मास में से एटॉमिक नंबर माइनस करो, 242 में से 94 माइनस कर लो, 148 हो जाएगा। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन का फार्मूला एल अपॉन एफ नॉट 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, वहाँ याद रहे डी से मुराद लीज डिस्टिंग और डिस्टिंग्विशन। कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ है क्यू नॉट प्लस पी ई। और जनाब ये बढ़िया है मैम सी क्यू से जो बार बार आ रही है कि अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू हाफ कितनी डेप्थ में होती है, तो 1/2 आर ई में होती है। अगर मास और रेडियस दोनों अर्थ का हाफ हो जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 19.6 हो जाएगा। अच्छा जी, अगर टू चार्जेस के दरमियान का रेडियस हाफ हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगी? 4F हो जाएगी, 4F हो जाएगी। इसी तरह मास अगर 500 ग्राम है ठीक है, V3I प्लस 4J, तो काइनेटिक एनर्जी आएगी 6.25 जूल्स। फिर पूछ रहे हैं लाइट ईयर किस का यूनिट है? टाइम का यूनिट नहीं, डिस्टेंस का है, और इसकी वैल्यू होती है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। किलोमीटर में ज़्यादा पावर 12 रह जाएगी, जहन में रखें। बड़ी अच्छी एम सी क्यूज है, टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग 2 times विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी। अच्छा क्या होता है, लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर या टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। हमें सीधी सादी बात है, हम क्या चाह रहे हैं भाई कि लेंथ को डबल कर दें। लेंथ को अगर डबल करेंगे तो टी कितने टाइम्स पड़ेगा? 2 का स्क्वायर 4 times। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। फिर कह रहे हैं बॉल थ्रोन हॉरिजॉन्टली रीचेस द ग्राउंड इन 2 seconds, फाइंड द डिस्टेंस। 2 seconds में वो रीच हो गई ग्राउंड पे, पहला सेकेंड और दूसरा सेकेंड, तो इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन किसके इक्वल होगा फ्री फॉल मोशन में? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि उसने ट्वाइस ऑफ जी तय किया होगा। ट्वाइस ऑफ जी यानी 19.6 मीटर का डिस्टेंस, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी हमारा करेक्ट ऑप्शन बच्चों। तो सबसे पहले जो मैं अब सॉल्व कर रहा हूँ, जो आज केमिस्ट्री के सवाल आए 8 July 2023 को NED के, और बेटा मैथ्स इंग्लिश में तो तकरीबन सारा वही है जो पढ़ाया है हमने, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री फिजिक्स भी मैथ्स इंग्लिश सब मैं आपको भेज रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आ गए, इनको देख लें। इंशाल्लाह ताला अगले शिफ्टों में भी पेपर ऑलमोस्ट इन्हीं क्वेश्चन में से आएगा। NED के टेस्ट में सवाल आया था कि वंडर वॉल फोर्स किस टाइप के क्रिस्टल में पाई जाती है, तो करेक्ट आंसर है मॉलिक्यूलर क्रिस्टल। पूछे H2S कौन सा एजेंट है, तो H2S स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। इसके बारे H2SO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। CH4 में पाई जाती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और विटामिन ई का कॉमन नाम है टोकोफेरोल। विटामिन ई का कॉमन नाम क्या है? टोकोफेरोल। और जनाब क्लास में भी इस चीज़ की बहुत प्रैक्टिस कराई है, नंबर ऑफ आइसोमर्स इन C6H14 हेक्सेन में 5 होते हैं। देखिए कोवेलेंट बॉन्ड इज डिफरेंट इन अ वे, तो करेक्ट आंसर है इट इज़ फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग। ऑप्शन बी बेंजीन शो सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बड़ा अच्छा है, गैलियम का ग्रुप क्या होता है? ग्रुप 3 है। यूरिया का केमिकल नेम कार्बामाइट। वंडर वॉल फोर्सेस कौन से टाइप के क्रिस्टल में होती है? बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, एटॉमिक क्रिस्टल, आयोनिक क्रिस्टल, तो मॉलिकुलर क्रिस्टल। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड को मेटलिक, या उल्टा भी आ जाता है कि मेटलिक को इंटरस्टिशियल, वैसे इनका एक तीसरा नाम भी होता है नॉन स्टेचो मेट्रिक हाइड्राइड्स। B2 का नाम पूछा था, कॉमन नेम राइबोफ्लेविन, ऑप्शन में ही दिया हुआ था, वैसे एक लैक्टोफ्लेविन भी होता है, ध्यान में रखिएगा। किप्स ऑपरेटस किसके लिए यूज होता है? गैस लिक्विड सॉलिड, तो गैस, वैसे गैस में भी जो हमारे कोर्स में खासतौर पर H2S गैस। विटामिन बी का कॉमन नेम थायमिन, विटामिन का बहुत ज़्यादा मैंने अलग से कराया है, ध्यान में रखिएगा। ETTA इथाइल डायमाइन टेट्राएसीटेट इज मल्टी डेंटेन लीजन, ठीक है। मोस्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट सीजियम, मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट फ्लोरिन। Na2CO3 किससे बनता है जी? सॉल्वे प्रोसेस से। गिरेग्नॉर रिएजेंट क्या होता है? प्रोड्यूस करते हैं अल्केन। HCl बॉन्ड क्या होता है? पोलर कोवेलेंट बॉन्ड।
मीथेन गैस का एक नेम मार्ज गैस, सुई गैस भी रहा है, ठीक है, नेचुरल गैस है। देखो एवोपरेशन ऑफ वाटर इज क्या होता है, स्पॉन्टेनियस, बहुत सारे ऑप्शन थे, नॉन स्पॉन्टेनियस, स्पॉन्टेनियस, और यह है द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव आयन इज कॉल्ड आयोनिक, कोवेलेंट या मेटालिक। तो करेक्ट आंसर है आयोनिक। देखिए बड़ी अच्छी एमसीक्यूज ये भी पेपर की, बेंजीन शो सैचुरेटेड नेचर ड्यू टू, तो करेक्ट आंसर है डीलोकलाइज्ड ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। फिर है मुस्लिम साइंटिस्ट ट्राई टू प्रिपेयर गोल्ड थ्रो अदर मेटल लाइक कॉपर प्लाटिनियम एट्सेट्रा बाय, तो करेक्ट आंसर है स्मेल्टिंग। देखिए विटामिन ए का कॉमन नेम रेटिनॉल बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है, और नाइट ब्लाइंडनेस होती है इसकी कमी से। पाई बॉन्ड्स बेंजीन में पूछे थी। अच्छा देखो अब एक एक डिफरेंस समझो, बेंजीन पे बहुत एमसीक्यूज आई हैं, पाई बॉन्ड्स कितने हैं, तीन। पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, छः, डबल इसके। अच्छा टोटल सिग्मा बॉन्ड की बात करें तो 12 होते हैं बेंजीन में, जिनमें 6 कार्बन कार्बन सिग्मा होते हैं, 6 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा होते हैं, ठीक है, ध्यान में रखो। NaCO3 का बहुत पूछा है नाम, बेकिंग सोडा। केटोन्स और एल्डिहाइड बेसिकली क्या होते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप होते हैं। लीजेंड्स किनको कहते हैं, लुइस बेस यानी इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स को, दे आर लीजेंड्स। वेजिटेबल फाइनर क्या होता है जी, कॉटन होता है। डेल एच वन प्लस डेल एच टू प्लस डेल एच थ्री इक्वल टू डेल एच, ये क्या है जी, हेसस लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट हीट समेशन। मीथानॉल का फार्मूला पूछा था, CH3OH। देखो मीथानॉल को नेफ्था भी कहते हैं, कार्बिनल भी, वुड अल्कोहल, वुड स्प्रिट, वुड से बनता है। और पूछ रहे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻³⁻³ kg। बॉयल्स लॉ की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन V1 V1 = V2 V2। फिर वन मोल ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 6.02 × 10⁻²³ मॉलिक्यूल्स। अल्किन में कार्बन कार्बन क्या चाहिए जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है जनाब, अल्किन में सिंगल, अल्काइन में ट्रिपल। जो इसमें देख लें एवोपरेशन ऑफ वाटर में दोनों ही बातें होनी चाहिए वैसे तो, स्पॉन्टेनियस भी एक्सोथर्मिक भी, तो ऑप्शन होना चाहिए बी एन सी बेसिकली इसका। और क्या क्या एमसीक्यूज आई थी, आइसोमर्स पूछे थे, C6H14 के 5 होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छी तरह याद करा है ट्रिक के साथ। 3A का मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट अल्मोनियम, वैसे भी ऑक्सीजन और सिलिकॉन के बाद सबसे ज़्यादा है, तो ग्रुप 3A में तो यही हुआ। वो ग्रुप जिसकी हाई आयनाइजेशन पोटेंशियल होती है लेकिन इनर्ट बिहेवियर होता है, तो ग्रुप 8A जिसको 0A भी कहते हैं, वहाँ 8A ऑप्शन दिया था। ऑक्सीडेशन नंबर अल्कली मेटल्स का +1। हेमोग्लोबिन बेसिकली प्रोटीन। पिक्रिक एसिड का कॉमन नाम 2,4,6-trinitrophenol। हाइड्रोजन क्या होता है, एक रिड्यूसिंग एजेंट होता है। RSH थायोअल्कोहल या मर्कप्टेंस। और वाटर सोलूबल विटामिन जो होता है विटामिन सी, देखो बी भी होता है लेकिन वहाँ जो ऑप्शन दिए थे अकॉर्डिंग टू देम कौन सा था, सी था। अब वाटर सोलूबल नहीं, जो फैट सोलूबल होते हैं वो कौन से होते हैं, KEDA, कीड़ा, कीड़ा याद रखते हैं लोग। और H वो होता है जो नाइदर वाटर नॉर फैट सोलूबल, और वाटर में जाहिर है BC दोनों होते हैं, ऑप्शन में चूंकि बाकी KDA दिए थे तो सी आंसर होता। बड़ी अच्छी MCQ से, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज द इन अ केमिकल रिएक्शन इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंसनट्रेशन ऑफ स्पेसीज टेक पार्ट इन। कह रहे हैं क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो होता है रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड कंसनट्रेशन ऑफ स्पेसीज टेक पार्ट इन इट। इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ कंसनट्रेशन इन रेट एक्सप्रेशन। द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज ऑलवेज डिफाइंड विद द हेल्प ऑफ रिएक्टेंट कंसनट्रेशन एंड नॉट विद द प्रोडक्ट। ठीक है जी, या ऑल ऑफ दिस, क्या जवाब होगा इसका, बिल्कुल अच्छी MCQs थी के विच ऑफ फॉलोइंग है सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। क्या सोडियम आर्गोन, नहीं जी, एक अल्कली मेटल है, एक नोबल गैस है। क्या कैल्शियम कार्बन, नहीं जी, लिथियम पोटेशियम, बिल्कुल जना, दोनों अल्कली मेटल्स हैं। देखो प्रॉपर्टी कब मिलती है, या तो सेम ग्रुप हो या डायगोनली सेम हो। लिथियम हाइड्रोजन हीलियम पीरियड सेम है लेकिन प्रॉपर्टी नहीं मिलती, तो लिथियम और पोटेशियम। फिर कह रहे हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से क्या बनेगा, कीटोन। तो देखो 2 डिग्री अल्कोहल हमेशा कीटोन देता है,
वन डिग्री अल्कोहल हमेशा क्या देता है, एल्डिहाइड देता है। फिर पूछा था अगर अल्मोनियम में आयरन ऑक्साइड इम्प्योरिटी हो तो कौन सा मेथड यूज़ होता है, बेयर, और SiO2 हो तो सरपैक। अच्छा, और अगर दोनों हो तो हॉल मेथड। ये भी रिपीट कर दूँ क्योंकि उस वक्त एक साहब आए थे, NH4Cl में तीनों टाइप के बॉन्ड, सिट्रिक एसिड लेमन में पाया जाता है, बैकलाइट एक पॉलीमर है जो कि दो मोनोमर फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड से बनता है, ठीक है जी। HCl पोलर कोवेलेंट बॉन्ड है, NaCl आयनिक बॉन्ड है, फॉर्मिक एसिड मीथानोइक एसिड का फार्मूला CH2O2, HCN का एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है, और बफर एसिड हम कहते हैं कि भाई होता है वीक एसिड एनेट्स। देखिए बफर सोल्यूशन इस, ये भी NAD का क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस नाजीना, वीक एसिड एंड वीक बेस नाजीना, वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेटेड, हाँ जी हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा वीक एसिड एंड इट्स कंजुगेटेड। कह रहे हैं फॉर्मिक एसिड यानी मिथानोइक एसिड का फार्मूला, तो CH2O2 इसका फार्मूला होता है, HCN का एडिशन होता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, NaCl एक आयोनिक कंपाउंड है बच्चों, HCl एक पोलर कोवेलेंट कंपाउंड है, NH4Cl में आयोनिक कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट दोनों होते हैं, बैकलाइट मिक्सचर है फिनोल और फॉर्मेलाइट का, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है, लेमन में पाया जाता है, ठीक है जी। तो देखो बड़ा अच्छा था, द रिप्लेसमेंट ऑफ H+ बाय अदर ग्रुप ऑन बेंजीन रिंग इज कॉल्ड, यानी जो H+ का इजाफा होता है क्या न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन, तो करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। फिर फार्मूला पूछा है प्रोपानोइक एसिड जिसका कॉमन नेम प्रोपियोनिक एसिड है, तो भाई तीन कार्बन का वैसे भी यही एक ऑप्शन है C3H6O2, लेकिन एक चीज़ और भी याद रखो कि जो कार्बोजिलिक एसिड और ईस्टर हैं उनका जनरल फार्मूला ये होता है CnH2nO2, और ऑफकोर्स ये चल रहा है तीन कार्बन है, हाइड्रोजन इसके डबल है और दो ऑक्सीजन है, तो मेरे भाई ये क्या होगा आपका, लाजमी सी बात है जनाब, प्रोपानोइक एसिड होगा। फिर पूछ रहे हैं NaCl कौन सा कंपाउंड है, तो जी आयोनिक कंपाउंड है, NaCl का फार्मूला मास 58.44 ग्राम पर मोल या 58.5, ऑप्शन में यही दिया था 58.44। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड किस चीज़ में सोलोबल नहीं होते हैं, नॉट सोलोबल इन